माला 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 नहीं है घर में, तू अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है? माला ए कहाँ जा रहा है तू? माला अरे रुक, तुझसे ही कह रही हूँ रुक। सूर्य माला क्या हुआ? माला बोलो ना, छोड़ दे मेरी बेटी को। क्या हुआ बोलो? माला माला बोलो ना, हाथ मत लगा उसे, छोड़ दे, चुप कर। माला क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बोलो। मंदिर में मिले थे ना, वो एरा सामी ने देख लिया और घर आकर मुझे मारा। वाह कितनी हिम्मत है तुझमें। भिखारी है, कितने लोगों को मार के ले जाएगा? मर्द बनता है, चल हाथ छोड़। इसलिए छोड़ रहा हूं वरना मार डालता तुझे। तुझसे ही नहीं, दुनिया में किसी से भी नहीं होगा। हमको अलग करना और हमारी शादी ना होने देना। तेरी आंखों के सामने मंगलसूत्र पहनूंगा, बड़े बुजुर्गों के सामने सिंदूर लगाऊंगा, लोगों के सामने साथ फेरे लूंगा, माला से शादी करके दिखाऊंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, चल जा।
वो होने के बाद बारिश के लिए तैयारी करो। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक सारा काम तुम्हें ही देखना होगा। ठीक है साहब। ठीक है साहब। क्या हुआ पद्मा, सुबह सुबह बहुत अच्छे से तैयार हुई हो? हाँ सरपंच हो तो गांव वालों के बारे में सोचो, मेरे बारे में भला क्यों सोचोगे तुम? क्या हुआ है तुम्हें, बकवास क्यों कर रही हो? बात क्या है वो बताओ पहले। आज हमारी शादी की सालगिरह है, कुछ याद भी है तुम्हें? अच्छा ये बात है, मुझे तुम पर विश्वास है, इतने सालों से देख रहा हूँ ना तुम्हें, मैं भूल भी जाऊँ तुम हर बार याद दिला देती हो। तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो, चलो मंदिर चलते हैं। भाई भी आया है तो चलो। देखिए ना मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है, देखिए ना, इकलौती बेटी है मेरी, सांप, कुछ करिए, इसको दवा खाने भिजवा दीजिए, बहुत समय पहले सांप ने काटा है, जल्दी से कुछ करिए सरपंच साहब। साहब जी सूर्या कहाँ है, जल्दी बुलाओ उसे। ठीक है साहब जी। क्या हुआ रे? इसकी जान चली जाएगी, जल्दी दवा खाने ले जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कृष्णा दीदी कैसी है वो? मेरी बेटी बच गई, भगवान तेरा भला करे बेटा। बच गई। साहब। हाँ क्या हुआ, इतनी रात को क्यों आए हो? साहब मेरे बेटे ने दुबई से अपनी बात बोल के कैसेट में भेजी है, जब तक वो सुन नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी, उसको देखे और बात किए बहुत दिन हो गए हैं, एक बार सुना दीजिए साहब, सब्र नहीं हो रहा है। ठीक है मुझे दो। देखो कैसे गोल गोल घूम रहा है कैसेट, मेरा बेटा पहले मेरे बारे में पूछेगा, मेरे बारे में पूछेगा, मेरे बारे में पूछेगा, मेरे बारे में, नहीं मेरे बारे में पूछेगा, मेरे बारे में पूछेगा। देखो मेरे बारे में पूछ रहा है, अरे चल हट बुड्ढे। मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है बता, इतने दिनों के बाद याद आई अपनी माँ की? अरे माँ मैं जानता हूँ तुम यही कहोगी कि बेटे कैसे हो, इतने दिनों के बाद माँ की याद आई क्या, यही बात है ना? मैं बहुत अच्छा हूँ माँ, फुर्सत में खा रहा हूँ, काम पर जा रहा हूँ, मेरा छोड़ो अपने बारे में बताओ माँ तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छे से खा पी भी रही हूँ, पर आँखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, जोड़ों में भी दर्द रहता है मेरे, दवा खाना लेकर जाने के लिए कोई भी नहीं है बेटा। हाँ हाँ दवा खाना लेकर जाने के लिए कोई नहीं है, यही कहोगी ना? मैं आ जाऊंगा, बस कुछ दिन की बात है माँ। अच्छा ये बताओ पापा कैसे हैं? पीछे हो जा, वो मेरा भी बेटा है। पापा बीपी की गोली ले रहे हो ना, हर रोज लेनी चाहिए, हफ्ते में एक बार डॉक्टर के पास जाकर पूछना चाहिए कि बीपी कैसा है। क्यों पापा दारू वारू पी रहे हो कि नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जब मन उदास हो जाता है तेरी याद आती है तो दो घूंट पी लेता हूँ, बस इतना ही। सारा दिन दारू पी कर पड़े रहते हो और झूठ कह रहे हो। तुम झूठों की रानी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अकल कहीं की, तुम्हारी सारी बातें झूठी। बकरी के शक्ल वाली, आप लोग लड़ाई करोगे मैं जानता था, लड़ाई झगड़ा छोड़ो और आपस में प्यार से रहो। और वो तिरुपति कैसा है? हाँ मैं अच्छा हूँ भाई। अच्छा मनीष और कार्तिक दोनों कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। माँ तुम सब लोग अच्छे से रहो। अच्छा मुझे अब सुस्ती आ रही है। सुस्ती आ रही है बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा? तुम लोग परेशान मत हो, मैं अभी अच्छा हूँ माँ। पता नहीं बेटा, सात समंदर पार देश में है, पता नहीं अकेले कैसे रह रहा है, समय पर खाना खाता भी है या नहीं, तेरी चिंता रहती है बेटा, तुझे
देखने का बहुत मन कर रहा है बेटा, जल्दी से आ जाना। जल्दी आने के लिए कह रही हो? आऊंगा आऊंगा, घर जाकर खाना खाकर सो जाओ। ठीक है, अब मैं रखता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, और अच्छी तरह से खाना भी खाया कर। अरे हटो हटो, रास्ते में नजर उतारने वाली गुड़िया की तरह बैठी रहती हो। सुअर कहीं के, तीन टाइम खाता है और घूमता रहता है। इतनी उम्र हो गई है फिर भी परिवार बसाने की अकल नहीं आई इसमें, पागल। क्या हुआ बुढ़िया, मार डालूंगा अगर दोबारा मुंह खोला तो। तेरी बहू को पूछना, उन्हें कब लड़की पसंद आएगी। माँ का अच्छे से ख्याल रखे तो काफी है ना, सुनती नहीं है, मुझसे पहले उसको पसंद आनी चाहिए। रिश्ते आए सबको ठुकरा दिया, निकम्मी कहीं की। इसके भरोसे रहेगा तो मरते दम तक तेरी शादी नहीं हो पाएगी। हमेशा मेरे पीछे क्यों लगी रहती हो, समय आएगा तो शादी रुकेगी क्या? देखो भैंस की तरह खाती है और खाना हजम नहीं होता तो मेरे पीछे पड़ जाती है। बस भी करो, एक दूसरे की गलती निकाल कर अगर ऐसे झगड़ते रहोगे तो शादी नहीं होगी, अर्थ ही निकलेगी इस घर से। ए, चुप करो तुम। मैं लड़के की शादी की बात कर रही हूँ और तुम हो कि जो मुँह में आए बके जा रहे हो। वैसे भी मेरे बेटे में क्या कमी है, हीरा है हीरा। यूँ लड़की देखेंगे तो यूँ शादी हो जाएगी। पड़ोस वाले शंकर के घर में लड़की देखने जाना है। जल्दी तैयार हो जा बेटा, इसका काम तो तमाम हो गया। खाने और घूमने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। ए हट, जब देखो खाती रहती है। जा अंदर, दांत घिस के खा नहीं तो मर जाएगी। देखा मुझे कितना सुनाती है ये। अरे तू चिंता मत कर, सब कुछ वो देख लेगी, है ना, बस तू चुप रहना। अरे तू चुप रहना, ये देख। अरे लड़की भले ही सावली रंग की है पर लड़की अच्छी है। माँ मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। ऐसा कैसे कह रहे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर तुम्हें पसंद है तो दूसरी शादी कर लो, मेरे बेटे की शादी उससे नहीं होगी। मेरा बेटा तो कितना सुंदर दिखता है, मैं उसके साथ ऐसा कर सकती हूँ क्या? गाँव में इसका नाम लेते ही लड़कियाँ शर्मा जाती है। ऐसे लड़के को किसी एरे गेरे के साथ बांधोगे क्या? जब तक मैं हूँ तब तक ऐसा नहीं हो सकता। लड़की के खिलखिलाने पर पूरा घर खिल उठना चाहिए, तभी लड़के की जिंदगी सुखमय होगी। अब बस भी करोगी क्या, उसकी पसंद की अहमियत नहीं है क्या, उसे देखने नहीं दोगी? हाँ हाँ, तुम्हें पसंद आ गई तो इसे बांध दोगे क्या? तुम अगर देखोगी तो इसकी शादी कभी नहीं होगी, ये तो तय है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ इस बार ना तुम किसी को भी लेके आ जाओ, मैं देखूंगा नहीं, जब तक तुम हो ना मेरी शादी नहीं होगी। सही कहा, तू भी श्राप दे, तू भी श्राप दे मुझे कि मुझसे छुटकारा मिल जाए तुझे। कितनी मन्नतों के बाद ये पैदा हुआ है, कितने मंदिरों में तपस्या की तब जाकर तू पैदा हुआ, तो एक अच्छी बहू की उम्मीद रखना गलत है क्या? पता नहीं कहाँ से पीछे पड़ गई है। मैं पीछे नहीं पड़ी हूँ, तुम ही हमारे पीछे पड़ी हो। अरे ओ, 2 रुपए दे देना, भूख लगी है, कुछ लाके खाऊंगी। सुबह से लगातार भैंस की तरह बस खा रही हो, लो आप खा के खाओ। अरे बाप रे, सब फेंक दिया इसने। हाँ, अरे कोई बात नहीं, मैं धो के खाती। मैं समझ गया भाई, इस जन्म में तेरी शादी नहीं होगी। तेरी तो। सूर्या भैया शादी कब है, दावत कब दोगे? तुम लोगों को पता है ना, भले ही लड़के मुझे पसंद आए पर माँ को पसंद नहीं आती है। और शादी की बात तो भूल ही जाओ यार, मुझे लड़के मिलना ना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा क्या है सूर्या भैया, सुंदर तो दिखते हो, हम तुम्हारे लिए लड़की देखते हैं। मैं भी देखूंगा। चल देखते हैं। मुझसे ही नहीं हो पा रहा है तो तुम लोग देखोगे मेरे लिए। देखो देखो कितने बड़े तोपो देखता हूँ। क्या कहा था देखा ना, ऐसे ही खून बहना चाहिए, ऐसे ही शरीर पूरा कांपना चाहिए, ऐसे ही अगर तड़प तड़प कर मरेगा तभी आएगा मजा। ये होता है मजा। इस लक्ष्मी सूर्या पटेल को क्या समझा है, भले ही समय लग जाए लेकिन जो सोचा है वो मैं हासिल करता ही हूँ। हार को हराने के लिए चाहिए होती है हिम्मत, और मेरे पास वो पैदाइशी है। सरपंच का चुनाव हारने की वजह कोई भी हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जीतने से ज्यादा उसके लिए की जाने वाली कोशिश बड़ी है, ये मैं साबित करूंगा। मैं ये सबको दिखा दूंगा कि मेरे खिलाफ खड़े होने वाले का यही हश्र होगा। 4 साल से इंतजार कर रहा हूँ हरामजादे का, उसने मुझसे पैसे लेकर के मुझे ही धोखा दिया।
मेरी सारी खबर उस हनुमंत राव को देकर उसके पीछे घूमता रहा। तो जैसे डेढ़ शाहने का अंजाम यही होना चाहिए। ले जाओ इसे। ए साले सुन, जीजा टपका डालू क्या? जिसे टपका आया उसे देखने जाना है, चल। मेरा मरद चला गया। यहाँ अच्छा कौन है बुरा कौन है जरा सोचो, मेरी आंखों के सामने ही इतना सब कुछ हो रहा है। इस पटेल ने किसकी कितनी सेवा की तुम सभी जानते हो, अब इसके बीवी बच्चों को कौन संभालेगा? बुढ़ापे में आंसू बहाकर दिलासा देने से कुछ नहीं होगा, कम से कम अब तो आंखें खोलकर गांव पर नजर रखो, वरना कितने लोगों का ऐसा अंजाम होगा किसे पता। कितने सालों से मेरा उधार इस पे बाकी था, आज ही मैं सारा उधार माफ कर रहा हूँ। इन मासूम बच्चों के आंसुओं को देखकर मैंने ये निर्णय लिया है। सभी लोग मेरे जैसे अच्छे नहीं होते, तुम सभी अच्छी तरह से सोचकर गांव के लिए एक अच्छा निर्णय लोगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। हम लोग मैयत पे गए थे, वहाँ भी धार लगाना जरूरी था क्या? मैयत में ही नहीं जीजा, मैं इस गांव में ना भी रहूँ ना तब भी मेरे भाई से धार लगवाऊंगा, आपके आसपास मक्खी भी नहीं आएगी। हाँ देखता हूँ कितनों को टपका था। हाँ हाँ, क्या हुआ भीमा? साहब मैं यशोदा से बहुत प्यार करता हूँ साहब। हाँ साहब, मैं भी भीमा से बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे माँ बाप भीमा पियक्कड़ है इसलिए शादी के लिए मान नहीं रहे हैं। क्यों भीमा, पीना बंद भी तो कर सकता है तू। बंद कर दिया है साहब, बस दिल को शांति मिलती है इसलिए कभी कभी थोड़ा सा पी लेता हूँ साहब। यशोदा के लिए वो भी बंद कर दे? मुझे तो पीता है तभी पसंद आता है, नहीं पीता है तो प्यार नहीं जताता है, पीने के बाद बहुत प्यार जताता है। इस बेवड़े के साथ हम इसकी शादी नहीं करवाएंगे साहब। हम इसे दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। किसी और से कराओगे नहीं पिएगा, क्या गारंटी है? इसको मना करके किसी अरे गरे से शादी करवाओगे, जिसको पसंद नहीं करती उसके साथ कितने दिन रहेगी, कुछ न कुछ करके मर जाएगी, इससे कोई फायदा होगा क्या? चुपचाप बात मान जाओ। आप चाहे कुछ भी कहो, हम इसे दामाद नहीं मानेंगे। क्यों रे, साहब के खिलाफ बात करता है? हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तुम दोनों क्यों नहीं मानोगे जब उनको पसंद है तो? बांध मंगलसूत्र। ठीक है साहब। सुनो चलो यहाँ से। यशोदा का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ ठीक है साहब। सूर्या। हाँ साहब जी। आज मलन्ना का त्योहार है। हाँ। गाड़ी निकाल चलते हैं। हाँ ठीक है साहब जी। ए माला रुको। कहाँ माँ जी? ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कुछ खो गया हो? बेटी जाओ जाकर खाना खिलाओ। अरे कहाँ खो गया यार जो इतना सोच रहा है? कल एक लड़की को देखा यार,
हाँ? अच्छी पटाखा क्या कमाल थी। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? फूल पत्थर लड़की कत्तर। ए कत्तर हो या पत्थर हो, बात करो और प्यार करके शादी कर लो। वैसे भी गांव में तुझे कोई लड़की नहीं दे रहा ना। तेरी तो लगता है बहुत चढ़ गई है तेरे। अरे मुझे मार मत, पहले उस लड़की से प्यार करना। अरे बात करके जो प्यार करूंगा ना। मैंने उसको इतना देखा फिर भी उसने मुझे नहीं देखा। भाई मुझ में क्या कमी है बोलना, मुझसे ज्यादा सुंदर बांका नौजवान इस गांव में दूसरा कोई है क्या? नहीं है। अरे बोलना पप्पू। नहीं है, नहीं है, बोल तो रहा हूँ। अकड़े तेरे में, बहुत अकड़े हैं। अरे तूने कहाँ देखा उस लड़की को? मैं पकड़ के लाता हूँ, तू बता। अरे मैं जब मेले में गया था ना तो वहाँ पे देखा उसको। अच्छा वहाँ? वहाँ की सारी लड़कियाँ बीड़ी कारखाने में काम करती हैं। तू बिल्कुल परेशान मत हो, बीड़ी कारखाने का ठेकेदार मेरा दोस्त है। वो एकदम खतरनाक है, वो जो बोलता है सब लोग वही करते हैं, कोई जुबान नहीं लड़ाता है। सुबह सुबह हम जाते हैं, फिर तू अपने लवर से मिल लेना। मेरे भाई। मेरी होने वाली पत्नी आ रहा हूँ मैं। सावन में आ जाना कृष्णा, आके राधा संग रस रचाना कृष्णा। फागुन में आ जाना कृष्णा, आके राधा संग रस। ये सब क्या है, क्या है ये सब? घूमते फिरते 10 बजे आई है तू? तेरी आरती उतार कर तुझे समझाना पड़ेगा कि 9 बजे आना है। तेरा रोज का यही हो गया है, रोज लेट आती है। एक बार ध्यान से सुन ले, अगर रोज 10 बजे आएगी तो तुझे मुझसे दिल खोल कर बात करनी होगी। ए, यही है मेरे दोस्त का कारखाना। अच्छा यही है क्या? हाँ। कल कितने बजे आएगी तू? 9 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा। ए, वो देख भाभी तेरी। ओ? अगर तू देर से भी आएगी तो कोई परवाह नहीं, कम से कम दिल खोलकर बात तो कर लेगी मुझसे, मेरा दिल बहल जाएगा। वैसी बातें करना मुझे नहीं आता। अरे तो मैं सिखाऊंगा ना तुझे, तेरे लिए मैं यहाँ पर हूँ ना। क्या कहा? वही, दिल की बात करनी है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भोली, शुरू में ऐसा ही होता है, बाद में धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है। इससे ज्यादा मैं और कैसे समझाऊं तुझे। तू एक काम कर, कल दोपहर को तू मेरे खेत पे आ जाना। क्या कहा तूने? हाँ क्या कहा, दोबारा बोल। हड्डी तोड़ दूंगी हरामजादे, बहुत ज्यादा बोलने लगा है तू। हाँ तेरे दोनों पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगी, समझा? अरे कहाँ जा रहे हो, रुको। अरे चलो चलो जल्दी। देख तू मेरे बारे में नहीं जानता है, दोबारा ऐसा बोला तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कमीने कहीं के क्या सिखाएगा, कपड़े की तरह धो दूंगी तुझे। गलती हो गई, दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगा। अरे बाप रे, मुझसे नहीं होगा। अरे पप्पू रुकना। अरे तेरी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरा दोस्त खतरनाक है, तोप है, बंदूक है, गोली है, ऐसा बोल रहा था ना तू। अब क्या हुआ, हवा निकल गई, मेरी बंदी ने उसको सबके सामने निचोड़ के रख दिया। अरे रुक ना, वो पीकर बोल रहा था, अब पता चला मुझे कि वो फेंक रहा था। फिर भी क्या यार, वो लड़की कितनी खतरनाक है, क्या धक्का दिया, क्या मारा, एकदम अच्छा सबक सिखाया उसको। ये तुझसे पटने वाली नहीं है, चल चलते हैं। मुंह बंद कर। इस लड़की में ना मेरे जैसी अकड़ है प्यारे, मजा आ गया। यही लड़की चाहिए, ऐसी लड़की अगर मिल गई ना तो पूरी जिंदगी धमाका होगा। भले कितने दिन क्यों ना लग जाए, इसी लड़की को पटाना है, मंगलसूत्र पहनाना है, गांव वालों के सामने धूमधाम से बारात निकाल लिए। अरे आ रही है। अरे बाप रे, हम लोग कहीं कोने में छिप जाते हैं, तू जाकर बात कर ले। ना, 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 ना,
रहा था ना? पता नहीं, मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें ही तो घूर घूर के देख रहा है। एक नंबर लड़का अच्छा लग रहा है, जाकर बात कर लो, नहीं तो कहीं घर तक पीछे पीछे ना आ जाए। अरे पीछा ना। क्यों पीछे पड़ा है मेरे? कोई काम नहीं है क्या? या फिर खाना हजम नहीं हो रहा? दोबारा मुझे दिखाई मत देना। अरे पप्पू। हाँ? मेरी डार्लिंग मस्त है यार। मस्त है ना, इसीलिए तो तू उसके पीछे पड़ा है। करीब से देखो तो तड़कती भड़कती है, बिल्कुल फायर है यार। ये अपने पत्नी बनेंगे, फिक्स हो गया। माला मुझे बहुत पसंद है पर मेरे को देखती ही नहीं है। और पड़ जाएगी क्या? ये ले। चुप करो। देखा ना, गांव में कैसे मौतें हो रही हैं? इतना बोला फिर भी नहीं समझे। हनुमंत राव कहकर उसे जिता दिया। उसने क्या किया? ये देखो, बड़े बुजुर्गों की बात ना सुनकर दो छोटे बच्चों की शादी करवा दी। और आखिर में क्या हुआ? देख लिया ना? हाँ, दोनों मर गए। बात ना सुनने वालों को कितना भी समझाओ नहीं समझते। तो मरो। और कितनों के मरने के बाद तुम्हारी आंखें खुलेंगी? मेरी किस्मत कितना समझाऊं तुम्हें, अकल पे पत्थर पड़े हैं। फिर भी मैं अपने गांव का भला चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं। जरा सोच कर देखो। सरपंच जी ने दोनों की मर्जी से उनकी शादी करवाई थी, मरने के लिए नहीं कहा था। उन पे इल्जाम मत लगाइए आप। जीजा टपका दू क्या इसे? अगर तेरे घर का कोई मरता तो पता चलता। अच्छी कहानी सुना रहा है, तुझे कुछ पता भी है क्या? बड़ों की मर्जी से भी शादी करवा सकता था। उस सरपंच ने अगर ऐसा किया होता तो आज ये होता? मुझे क्या देख रहे हो? जाकर पूछो उससे, जवाब मांगो उससे। सरपंच जी के जाओ, चलो चलो, चलो, चलो जाकर पूछो उससे। हाथ में मिट्टी लगे बिना बीज बोना होगा, ये बात जिसे पता है वो सिर्फ अकेला मैं ही हूँ। ए जीजा, ये बात तेरे और मेरे अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। चल। आपने जैसा कहा था मैंने गांव के लोगों को बोल दिया है, वो जल्दी ही फसल काट कर ले आएंगे। देखिए क्या हो गया, देखिए। देखो साहब, अच्छे से देखो, हमारे खिलाफ अपनी मनमानी करने वाले छोटे बच्चों की शादी करवा दी ना, वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, झगड़ा करके जहर पी के मर गए। अगर आपने हमारी बात सुनी होती तो हम इसकी उम्र होने के बाद शादी करवाते। हमारे खिलाफ जाकर आपने इनकी शादी करवा के बहुत बड़ी गलती की, मासूम बच्चों को मार डाला ना। मैं जब गाँव में नहीं थी तब आपने मेरे बेटे की शादी करवा दी। आपने ये गलती कर दी साहब, पूरे गांव में ऐसे ही सबको न्याय दिलवाइए, और जब पूरा गांव मर जाएगा ना तब आप त्योहार मनाइएगा। जब किसी दिन आपके घर में आग लगेगी ना तब पता चलेगा, ये पाप नहीं धुलेगा। आप भी इसी आग में जलेंगे, हमारी बददुआ लगेगी, बर्बाद हो जाएंगे आप, बर्बाद हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा आपका, बर्बाद हो जाएंगे आप साहब। ये दोनों जहर पीकर मर गए, इस बात पर विश्वास नहीं होता। इसमें मुझे उस पटेल की साजिश दिखाई दे रही है मुझे बदनाम करने की। ये बात सच है अगर पता चल जाए तो उसे छोड़ूंगा नहीं। आप बस बोलो साहब जी, उसको अभी सबक सिखाता हूं। वो समय जल्दी आएगा।
क्या हुआ यार, आ नहीं रही है। आज कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। ये गली में घरों के पीछे छुप छुप कर कब तक देखते रहेंगे हम लोग? अगर तुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं ही बात करके आता हूँ। अरे शांत हो जा, जल्दबाजी करेंगे तो नहीं होगा रही। अच्छा समय आने के लिए ना थोड़ा सबर करना पड़ता है। अगर सही समय का इंतजार करेंगे तो सर के सारे बाल झड़ जाएंगे। आ गई मेरी जान, आ गई। जाकर अपने प्यार का इजहार करो और उसे मना लो। जा जा। चुप कर। पहले इस लड़की के नाक पे गुस्सा रहता है। ए, गुस्सा उस्सा कुछ नहीं, मैं जाकर बात करता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी आज ही हो जाएगा। अरे जरा रुको, मेरा दोस्त तुम्हें बहुत पसंद करता है, कह रहा है शादी करेगा तो तुमसे ही करेगा वरना मर जाएगा, ऐसा कह रहा है वो। इतना ज्यादा पसंद करता है तुम्हें। करके गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई जवाब तो दो। अरे जवाब मिल गया, चल भाग, चल भाग यहाँ से, चल। तेरी तो बेवकूफ कहीं का, तेरा घोड़ा रुकता ही नहीं है। मुझे मार क्यों रहा है? सब खत्म, खत्म हो गया, शुरू होने से पहले ही खत्म। कितनी मेहनत करके उसको सही रास्ते पे लाऊंगा बोला था मैंने, लेकिन तूने सब कुछ बिगाड़ दिया पप्पू। अरे बस कर। मैंने भी मंदिर के पीछे वाली गली में एक लड़की से प्यार किया था। अपने प्यार का इजहार करने से पहले ही वो उस आइसक्रीम बेचने वाले के साथ भाग गई। मैंने उससे पूछा कि तू क्यों उसके साथ भाग गई, तो उसने कहा तुम दोनों ने मुझे एक साथ देखा था, लेकिन उसने पहले आकर प्यार का इजहार किया और तू दारू पीता रहा। तब से मैंने एक बार ठान लिए दोस्त, जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो, भले ही वो लड़की मेरी कमर ही क्यों ना तोड़ दे। फिर भी मैंने उससे हिम्मत करके बता दिया। लेकिन मैंने ये तेरे प्यार को बिगाड़ने के लिए नहीं किया। सूर्या कुछ भी कहो, लेकिन वो लड़की तुझसे ही प्यार करती है। और नहीं तो क्या, अगर वो चाहती तो तुझे आकर गाली दे सकती थी, पर नहीं थी। इसका मतलब उस लड़की का दिल तुझ पर आ गया है। सच कह रहा है। और नहीं तो क्या, तेरे लिए चिकन क्या फोकट में खरीदूंगा। कल कारखाने के रास्ते में दीवार से झांक झांक कर देखेंगे, अगर वो तुझे ढूंढेगी तो समझ लेना कि वो तुझसे ही प्यार करती है। ए, मेरा जिगरी दोस्त पप्पू, अगर ये बात सच निकली ना तो अच्छा होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तेरा पिछवाड़ा सूझने तक मारूंगा तुझे, समझा गया? हाँ समझ गया। क्यूरी, आज तेरा आशिक नहीं आया, शायद तेरे गुस्से से डर गया होगा। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं क्या, एक लड़की के पीछे जब एक लड़का पड़ा हो तो उस लड़की में जो वजन आता है ना, उस खुशी को बयान नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। वैसे भी हमारे मुरझाए हुए चेहरे कौन देखता है, तुम्हारा नसीब अच्छा है जो सूर्या तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। तुम अगर उससे बिना बात किए बस देखती रहोगी तो ये कहानी कब तक चलती रहेगी, देख लेना उसे कोई दूसरी लड़की मिल ही जाएगी। तुमने बहुत कुछ बोल लिया, मेरे प्यार में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? कब किससे क्या बात करनी है इस माला को अच्छे से पता है, जो लिखा है वही होगा, समझ गए ना? अरे बाप रे, बीड़ी बनाने वाली लड़कियों की शक्ल देखो, बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है। अरे भाई जैसा तूने बोला था, माला मेरे कोई ढूंढ रही है। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें मैंने बचपन में बहुत सुनी है, ये सब सुनकर ही तो मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे को कहानी समझ में आ गई, जब तक वो कारखाने से काम करके लौटेगी तब तक हम तैयार होके आ जाएंगे। लड़की पड़ गई समझे, मुझे नहीं उस माला को जाकर देना। दूंगा भाई, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा।
माला, वो अपने दोस्त के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नरसिम्हा मंदिर के पास आ जाओ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बचा लेना भगवान। कितनी बार कहा है कि मेरे पीछे पागलों की तरह मत घूमो। इस गांव में मेरी कुछ इज्जत है, मेरी माँ को बहुत लोग जानते हैं। अगर मेरे घर में पता चल गया तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। ये क्या, ये खुसुर पुसुर क्या कर रहे हो? जो कहना है मेरे मुँह पे कहो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तो लगा ही था कि तू ऐसे रोमियो वाली बात ही पक्का करेगा। सुनो, मैं यहाँ पे सबकी तरह घूमने वालों में से नहीं हूँ, जो पूछते ही हाँ बोल दूँ और देखते ही पट जाऊँ। तो फिर क्यों देखती हो मुझे? जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे आते हो। मैं किसी काम से जाता हूँ तो तुम दिख जाती हो। सवेरे उठते ही मेरे घर के पास आ जाते हो, गली में चलती हो तो मेरे बगल में आ जाते हो, पानी लेने जाऊँ या दुकान में जाऊँ, कारखाने के रास्ते से लेकर हर जगह तुम खड़े रहते हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हें बताऊंगी अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो। पीछे पड़ना है मेरे, कारखाना रास्ता हर जगह आ जाते हो, तुमने दोबारा ऐसा किया तो मार खाएगा, समझा? बस कर, बस बिना सांस लिए बोलती जा रही है। जा। और सुबह क्यों नहीं आए देखने मुझे? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया तुम्हें पता है? दोपहर में ठीक से खाना भी नहीं खाया। कितने पागल हो तुम? मैं इस प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं जानती। जिसे पसंद करूंगी उससे शादी करूंगी, बस इतना ही जानती हूँ। तुम मुझे पसंद आए और मुझे तो ऐसे ही बताना आता है। असल में मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था पता है? मेरी चाची की बेटी को जब सांप ने काट लिया था तब तुम उसे दवा खाने ले गए थे ना, तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे। पर गांव में मर्दों से बात करने पर सभी गांव वाले गलत समझ लेंगे, इसी डर से मैंने तुमसे बात नहीं की। अरे देखो हेरासामी आ रहा है। अरे उससे कोई बात मत करना, समझे ना? अभी अभी जेल से छूटकर आ रहा है वो, ऐसे ही बात करोगे तो झगड़ा करके मारेगा वो। भाई आप पिलाओ ना। क्यों संतराम? अच्छा है ना? क्यों बेटा तुम आ गए? हाँ मैं ठीक हूँ। आपने नजर उतरवाने के लिए मंदिर क्यों नहीं गए? मैं मंदिर जाके हमेशा अच्छा रहूं ये प्रार्थना करके आ रहा हूँ। मैं भी अब तुम्हारी तरह शांति से रहूंगा, जरा मुझे भी तो पिलाओ। हाँ अभी देता हूँ, ये लो पकड़ो। सुनो ऐरा सामी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहता हूँ बेटा। हाँ बोलो ना। देखो बेटा, ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, अपने मामा की बेटी से शादी करके अपना जीवन अच्छी तरह गुजारो बेटा। अगर तुम ऐसे ही लड़ोगे तो जेल चले जाओगे, फिर तुमसे शादी कौन लड़की करेगी? उसकी शादी अगर किसी से होगी तो मुझसे होगी। अगर उसकी शादी किसी और से हुई ना तो उससे मैं झगड़ा ना करूँ ये कहने वाला तू कौन है? गांव वाले हनुमान जी की कसम, काशी के शिव की कसम, पहाड़ों वाली माता जी की कसम, द्वारिकापुरी के कृष्णा की कसम, माला सिर्फ मेरी है। और याद रखना, माला से अगर किसी ने भी शादी करने की कोशिश की तो उसे खत्म करके फिर से जेल चला जाऊंगा। मैंने कहा था ना तुमसे, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे बोलना यार बोल, अरे बोलना। ठीक है भैया, चलो बताना क्या हुआ, ऐसे बेचैन आत्मा की तरह क्यों घूम रहा है? ऐसा कुछ नहीं है साहब जी, आजकल मैं देख रहा हूँ बाहर बहुत घूम रहा है, बात क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे, चल बता। क्या खुसर पुसर हो रही है? साहब जी वो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। कौन है वो लड़की? उसका नाम माला है, मंगवा की बेटी है। अरे सूर्या क्या जरूरत है तुझे इस प्यार व्यार की? उस दिन तूने देखा ना भीमा और यशोदा का क्या हाल हुआ, तब से मेरा मन नहीं मान रहा ये प्रेम विवाह करवाने के लिए।
मेरी बात मान, मैं एक अच्छी लड़की ढूंढकर तेरी शादी करवाऊंगा, उस लड़की को भूल जा। ऐसा मत बोलो साहब जी। क्या उस घटना के बारे में सोच रहे हैं? इतने सालों से सूर्या हमारे साथ काम कर रहा है, हमारा सूर्या हीरा है, शादी करवाइए इसकी। मैम साहब बहुत अच्छी है, दिल में जो आता है मुँह पे बोल देती है। मना मत करो ना साहब जी। पहले तुम उसके घर वालों को मनाओ, बिना किसी लड़ाई के धूमधाम से तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। मेरे साहब जी ने बोल दिया तो समझो हो गया, आपने जुबान दे दी है ना, बाकी मैं संभालूंगा। पप्पू चल रहे। माला क्या कर रही है बेटी? बस हो गया, अब तक तूने खाना नहीं बनाया, चल हट मैं करती हूँ। आज तो तेरे मामा का बेटा आ रहा है, जरा अपनी शक्ल सुधार ले और जाके अच्छे से तैयार हो जा। ऐसा गुस्से वाला चेहरा दिखाएगी ना तो वो नाराज हो जाएगा। मामा का लड़का? और नहीं तो क्या, समझ नहीं आता तुझे? ठीक से बात कर। एरा सामी जेल से बाहर आ चुका है। तो फिर क्या करूँ मैं, पटाखे जलाऊं क्या? हाँ अगर ऐसे बात की ना तो दांत तोड़ दूंगी तेरे। चुपचाप जो मैं कहती हूँ वो कर। मेरे भाई ने दुबई में रह के बहुत पैसे कमाए हैं, इकलौता बेटा है, सारी जायदाद का मालिक है। अगर उससे तेरी शादी हो गई ना तो ये बीड़ी वीड़ी का काम छोड़ के ना तू महलों की रानी बन के रहेगी। माँ मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है, जो कुछ है उसमें रूखी सूखी रोटी खा लूंगी, लेकिन दोबारा उसकी बात मत करना। दांत तोड़ दूंगी तेरे। क्या बात है बुआ, किसके दांत तोड़ने वाली हो? अरे मेरे लाडले बेटे सही समय पे आ गया तू, मैं तो दांत ठीक से नहीं घिसेगी तो दांत टूट जाएंगे कह रही थी। तुम कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ बुआ। तुम मंदिर तो गए थे ना प्रार्थना करने, ताकि दोबारा कुछ बुरा ना हो? हाँ प्रार्थना करके आ रहा हूँ। मौला एरा सामी आया है, उठ के बात कर। क्या बात करूँ, तुमने बात कर ली ना। अरे शादी की उम्र हो गई लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ, कमाल है। वैसे कुछ भी कहो बुआ, गुस्से में सुंदर दिखती है, बहुत दिन हो गए देखे हुए, अच्छी लग रही हो माला। इस तरह से गुस्से में क्यों देख रही है, पत्थर की तरह, आज नहीं तो कल यही तेरा पति बनेगा। माँ बस करोगी क्या? चुप कर, इसको बिल्कुल अकल नहीं है बेटा, तुम बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे पापा से बात करके अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लूंगी, ठीक है? आज से मेरा अच्छा समय शुरू हो गया बुआ, आप जब कहो तब करूंगा, पापा के कहने की जरूरत नहीं है, हम दोनों की शादी होगी, ये बचपन में ही बोल दिया था ना। देखा ना बेटी, ये तुझे कितना ज्यादा पसंद करता है, जल्दी ही पंडित को बुला के बात करती हूं। ठीक है बुआ, माला हम बाद में मिलते हैं। क्या हुआ माला, इतना परेशान क्यों है, किसी ने कुछ बोल दिया क्या? उसको तुम्हारे सामने चार खींच के दूंगा, चलो। मेरी बात तो सुनो, मेरी माँ अपने भाई के बेटे से मेरी शादी करवाना चाहती है, वो बहुत बड़ा लफंगा है, वो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। मुझसे भी बड़ा लफंगा है क्या? दूंगी खींच के। तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? आज पंडित को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकालने वाली है मेरी माँ। ओह चिंता मत कर, जाओ तुम। माला तेरे मामा का बेटा ही नहीं, उसकी माँ का पति भी रोक ले, लेकिन अपन दोनों की शादी होगी और ये एकदम पक्का है, लिख के रख ले। इसके अलावा अगर और कुछ हुआ ना तो मैं सुनने वाला नहीं। ऐसा कहकर तुम्हारा उससे झगड़ा करना मुझे पसंद नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब तक उसने दो लोगों का खून किया है, उसके बाद जेल भी जा चुका है। अरे अच्छी बात बताई तूने, अगर ऐसा है तो उसको दोबारा जेल भेज देंगे, तू फिक्र मत कर। हमारी शादी कैसे होगी पहले ये बताओ। वो तो पूरे गांव को ढिंढोरा पीट पीट के बताऊंगा। हमारे सरपंच जी से मैंने बात कर ली है, तुझे उनके पास लेके जाने के लिए तो यहाँ पे आया हूँ, और तूने अभी नई कहानी बता दी, वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रुक जाओ, मेरे पास मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है, हमें जो कुछ भी करना है वो मेरी माँ को मना कर ही करना होगा। ओ अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी माँ के पास जाकर हमारी शादी के बारे में बता दो, उसको मनाओ और सरपंच के पास ले आओ, अगर वो नहीं मानेगी तो मेरे साहब जी बैठे ना उनको मनाने। खेल खत्म, हमारी शादी धूमधाम से होगी। अभी जाकर माँ को बताती हूँ कि शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। माँ ने मना कर दिया तो? मना कर देंगी तो उनसे बिना बताए तुमसे ही शादी करूंगी। ए, 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 सही रास्ते पर निकल पड़ी है तू। अकल नहीं है क्या, ये मंदिर है। शादी तक धीरज रखो या ऐसे ही बात करके खुश रहो, समझे? हाँ खुश हो जाता हूँ। छोड़ो।
कोई देख लेगा तो? इधर कौन मैं है? मैं चलती हूँ, तुम भी जाओ अब। ए, क्या देख रहा है यहाँ पे? तेरी तो चल जाके बकरियाँ चरा। ये माला, कल सुबह मैं यहीं पे मिलूंगा, शादी के कपड़े पहनकर मस्त पटाखा बन के आना। कहाँ गई थी? मंदिर। मंदिर या मजे करने? दामाद जी आप आ गए, पंडित जी ने अभी अभी अच्छा मुहूर्त निकाला है। मैंने सब देखा है, कौन है वो बता, और कब से तेरा चक्कर चल रहा है? क्या हुआ दामाद जी, क्या कह रहे हैं आप? इससे ही पूछो। माँ, मैं सूर्या को पसंद करती हूँ, सूर्या मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। देख रही हो ना कैसी बातें कर रही है, तुम्हारी बात मान के मुझसे शादी करेगी सोचा था? तुम जानती नहीं हो इसके कुकर्म। ए! दोबारा अगर मुझे भला बुरा कहा तो मार डालूंगी। बहुत जुबान चलाती है। दामाद जी, तो तुम मेरे बारे में जानती नहीं है, मेरे अलावा किसी और से शादी की तो उसे मार डालूंगा मैं, याद रखना। वैसे भी अब तक दो लोगों को मार चुका हूँ और अब तीसरे को मार के जेल जाऊंगा। क्या किया तूने? तुझ जैसी को भी प्यार चाहिए क्या? खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है, गटर के कीड़े जैसी जिंदगी है हमारी। हमारी जिंदगी में प्यार की कोई अहमियत नहीं, हमारी जिंदगी में एरासामी जैसा अमीर आदमी मिल जाए वही खुशनसीबी है। अकल घास चरने गई है जो उस नौकर से प्यार कर बैठी तू? अपनी जिंदगी में खुद आग लगा रही है, उससे शादी करके अपनी सारी जिंदगी दुखों में बितानी पड़ेगी तुझे। माँ होने के नाते चाहती हूँ कि तू जिंदगी में खुश रहे, पर इतना घटिया काम करेगी मैंने सोचा नहीं था कुलक्षिणी। तू कितनी भी कोशिश कर ले तेरी शादी एरासामी से ही कराऊंगी। माला नहीं है घर में, तू अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है? माला, ए कहाँ जा रहा है तू? माला, अरे रुक, तुझसे ही कह रही हूँ रुक। सूर्य, माला क्या हुआ? माला बोलो ना, छोड़ दे मेरी बेटी को। क्या हुआ बोलो? माला माला बोलो ना, हाथ मत लगा उसे, छोड़ दे, चुप कर। माला क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बोलो? हम मंदिर में मिले थे ना, वो एरा सामी ने देख लिया और घर आकर मुझे मारा। वाह, कितनी हिम्मत है तुझ में भिखारी, कितने लोगों को मार के ले जाएगा? हा? मर्द बनता है, चल हाथ छोड़। इसलिए छोड़ रहा हूं वरना मार डालता तुझे। तुझसे ही नहीं, दुनिया में किसी से भी नहीं होगा। हमको अलग करना और हमारी शादी ना होने देना।
तेरी आंखों के सामने मंगलसूत्र पहनूंगा, बड़े बुजुर्गों के सामने सिंदूर लगाऊंगा, लोगों के सामने साथ फेरे लूंगा, माला से शादी करके दिखाऊंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, चल जा। ये चोट कैसे लगी? किसी से झगड़ा करके माला को यहाँ लेकर आया है क्या? हाँ साहब जी, जब माला की माँ ने अपने बेटे के भाई से शादी करवाने का मुहूर्त निकाला तो इसने उससे मेरे लिए झगड़ा किया, इसलिए उस लड़के ने इसको मारा। तो मैं चुप बैठूंगा क्या? चोर खींच के दिया उसको और इसको यहाँ ले आया शादी करने के लिए। ऐसे बड़े बुजुर्गों को मनाए बिना झगड़ा करके यहाँ आना अच्छा नहीं है। इसकी माँ से मैं बात करूंगा। साहब, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन माँ नहीं मानेगी, वो मेरी शादी उसी से करवाना चाहती है। अगर ऐसा रहा तो मैं सूर्या से दूर हो जाऊंगी। सूर्या के बिना मैं जी नहीं सकती, ये मेरी जान है साहब। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो एरा सामी और सूर्या आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। हमारी शादी के लिए मना मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारे घर के बड़ों से बात किए बिना शादी करवाना ठीक नहीं है। मंजूर की जरूरत नहीं है साहब जी, बस आप मंजूरी दे दो काफी है। ये बात सोचकर मुझे डर लग रहा है सूर्या, तुम पर कोई मुसीबत आए ये मैं देख नहीं पाऊंगा। भैया, सूर्या हमारे घर में पला बढ़ा है, उस पर कोई मुसीबत आएगी तो हम देखते रहेंगे क्या? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन दोनों की शादी करवा दीजिए, खुश रहेंगे। साहब जी, माफ कर दीजिए, मेरे बेटे ने अनजाने में गलती कर दी, इसे माफ कर दीजिए। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम्हें ये शादी मंजूर है? मंजूर है साहब, आप जो कहेंगे वही होगा। हाँ, करो करो, अच्छे से करो, गांव में सबकी शादी करवाओ, क्योंकि करवाने के बाद वो अपनी मौत खुद मरेंगे, तेरा क्या जाएगा? अरे और कितने सालों तक लोगों की जिंदगियों से खेलेगा? इस लड़की की माँ और इसके मामा का बेटा मेरे पास आकर रोने लगे, देख ले इनका क्या हाल बना दिया है। औरत होने के बावजूद इसकी माँ को धक्का मारा, इसलिए पूछने आया हूँ। वैसे भी तू अपनी मर्जी चला ही रहा है, क्योंकि तुझे लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। देख हनुमंत राव, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा? जीजा, काट डालो कैसे? रुक जा। ए, जुबान संभाल कर, पटेल हूँ मैं, पटेल की बात की अहमियत पूरा गांव जानता है। ए हनुमंत राव, किससे कब कहाँ कैसे बात करनी है ये जरा समझा अपने आदमियों को। तुमसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है हमको, ज्यादा बात मत करो। हाँ, देखता हूँ तू कितना उछलता है। बस करो। देखो माला की माँ, तुम्हारी बेटी सूर्या से बहुत प्यार करती है, सूर्या भी माला को बहुत चाहता है। सूर्या सबकी तरह नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरे बेटे जैसा है। सूर्या इसका ख्याल नहीं रख पाएगा, इसकी चिंता मत करो, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं हूँ। मेरी बात मान लो और शादी के लिए मान जाओ। अरे क्या शादी के लिए मान जाऊं? बेटी के पैदा होते ही भाई को जबान दे दी थी कि ये तुम्हारे घर की बहू बनेगी। ये एरा सामी बचपन से मेरी बेटी को प्यार करता है, बचपन से ही इससे शादी करने का सपना देखा है, ऐसे में हम कैसे मान ले? हमारे खिलाफ शादी हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे परिवार में शादी की बात तय होने के बाद बीच में पड़ने वाले तुम कौन? तुम्हारी बात सुनने नहीं आया हूँ, माला को अपने साथ ले जाने आया हूँ। अभी भी प्यार से बात कर रहा है जब उसकी माँ ने मान लिया है। जाकर माला का हाथ पकड़ कर लेकर आ, देखता हूँ कौन रोकता है। फिर मारूंगा तुझे। मैं भले ही मर जाऊंगी लेकिन सूर्या को नहीं छोड़ूंगी। अब चुपचाप अपने रास्ते चले जाओ, इन दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। कौन बीच में आएगा मैं देखता हूँ, गांव में सबको बुलाकर धूमधाम से यही शादी करवाऊंगा। तू ऐसा करेगा तो ये लोग हाथ में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे,
उन्हें जो करना है वो करेंगे। क्या करेगा हा? क्या करेगा? बहुत बोलता है, सूर्या। क्या रे, सरपंच के घर में है इसलिए इतना उछल रहा है? ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ दिनों बाद इलेक्शन आ रहा है, तब बाजी हमारी होगी, तब देखना लक्ष्मी पटेल की हवा होगी यहाँ। इस पटेल को तू जानता नहीं है, तेरे दादा और पिता से पूछ लेना, बताएंगे। और तुझे गांव में रहना है कि नहीं? देख लूंगा, देख लूंगा। और कितने दिन चलेगा? छोड़ेगा नहीं तुझे ये पटेल। हमारी मर्जी के खिलाफ देखती हूँ कैसे शादी करवाते हो। चलिए दामाद जी। निकाल। सूर्या, आज शहर जाकर आता हूँ, कल सुबह ही गांव वालों के सामने तुम्हारी शादी करवाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, माला को घर ले जाओ। ठीक है साहब जी, चलो चलते हैं। किस चीज की कमी है तुझे? फिर झगड़ा करके लड़की को क्यों लाना था? इतनी सुंदर है क्या, और कोई दूसरी नहीं मिलेगी क्या? माँ, तुमको जो बोलना है ना मुझसे बोलो, माला को कुछ मत बोलना, वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर मेरे साथ आई है। तुम्हारी बात उसके दिल पे लगे ना तो एक निवाला नहीं खाएगी, वो रोएगी बेचारी। रोती है तो रोने दे, मैंने भी तेरे लिए बहुत सी उम्मीदें लगा कर रखी थी, सोचा था दहेज आएगा तो हमारी मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन एक फूटी कौड़ी ना लाने वाली लड़की को बहू बना कर ले आया है। अगर ऐसी किसी लड़की से शादी करवाना होता तो कब की तेरी शादी करवा चुकी होती। हाँ बस करो। ये क्या, कब से बोले जा रही हो तुम? कोई भी खाते समय किसी से इस तरह से बात करता है क्या? तुम नहीं सुधरोगी। तुम अपने घर से कितना लाई थी जो दहेज की बात कर रही हो? हाँ, जितना कुछ लेकर आई थी सब कुछ तो उड़ा चुके तुम। मेरा हार तक गिरवी रख दिया तुमने, मेरी माँ की दी हुई पायल, दो भैंसे, तीन गाय, उन सब का क्या हुआ? इसके अलावा 51 रुपए भी दिए थे दहेज के नाम पर। इतना सब देने के बावजूद क्या दिया कहकर मेरे पीछे पड़े रहते हैं सब लोग। मगर मच्छ के आंसू हैं इसके, भरोसा मत करना। कह रही है दहेज लेकर आई थी बहुत सारा, 2 गिलास तो मैंने दिए थे, 2 लोटे, 2 चम्मच और तो और 2 झाड़ू दी थी। मैंने क्या इसका ढिंढोरा पीटा? अब क्यों मुँह बना रही है? माँ बस करो, मेरी शादी के लिए तुम्हारा 1 रुपया नहीं चाहिए मेरे को, यह खाना भी नहीं चाहिए मुझे। सूर्या, खाना तो खा ले बेटा। सूर्या, खाना ऐसे नहीं छोड़ते। सूर्या, माला, बीड़ी कारखाने में कमाए हुए मेरे कुछ पैसे हैं, सब तुम्हारी माँ को दहेज के रूप में दे दो, वरना रोज ऐसे ही ताने मिलेंगे। देखो माला, मेरी माँ की बातों को दिल पे मत लेना, मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार मेरे लिए काफी है बस। मैं किसी के खिलाफ जाऊंगा, कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए, मैं मेहनत करके तुमको पालूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। चलो खाना खा लो। पापा जी, क्या हुआ बेटी? सूर्या कहाँ है? घर में तो नहीं है, इतनी सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चला क्या गया हुआ? वो सूर्या कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाप रे, इसकी वजह से कहीं उठाकर तो नहीं ले गए? कुलक्षी नहीं कहीं की, कल आई और आज ही मेरे बेटे को गायब करवा दिया तूने। ए तुम चुप करो, उल्टी बातें ही करती हो, और कहाँ जाएगा वो, सरपंच के घर ही गया होगा। बेटी तुम चलो मेरे साथ। नमस्ते सरपंच साहब, सूर्या यहाँ आया है क्या साहब? सूर्या, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ, कहाँ गया? आज तो उसकी शादी है। पता नहीं साहब, रात को उसकी माँ ने थोड़ा गुस्सा किया था तो वो नाराज हो गया था, घर छोड़कर चला जाएगा सोचा नहीं था। हे नारायण भैया,
पूरा गांव छान मारो, जहां भी हो उसे लेकर आओ। जी भैया। चिंता मत करो, कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी होगा मेरे पास आएगा, मैं बात करके भेज दूंगा, तुम लोग जाओ। ठीक है साहब जी, चलो चलो बेटी। पापा जी, मैं अपनी माँ से और सूर्या के दोस्तों से पूछ कर आती हूँ। ठीक है बेटी, चलो हम भी ढूंढते हैं। माँ, माँ, क्या हुआ? रास्ता भटक गई जो आ गई? ये शादी में बुलाने आई है? जिस दिन ये घर छोड़ के गई थी उसी दिन मर गई थी तू। दोबारा इस आंगन में कभी कदम मत रखना। माँ, सूर्या कहीं मिल नहीं रहा। दवा खाने में जाके आंखों का इलाज करवा। माँ, मुझसे क्यों पूछ रही है तू? सूर्या पर एरा सामी ने गुस्सा किया था, कहीं उसने कुछ किया तो नहीं? उसके पास और तो कोई काम है नहीं, यही काम है। हमारे खिलाफ तू उस नौकर के साथ चली गई, वो आदमी अच्छा नहीं है। मैंने कहा था ना, सरपंच के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, इतना काफी नहीं है? तेरी माँ जिंदा है या मर गई अपनी आंखों से ये देखने आई है तू? निकल यहाँ से। माँ, एक बार एरा सामी से पूछो। एरा वेरा कोई नहीं है, चल निकल जा। सूर्या को कहीं देखा था क्या? नहीं देखा। सूर्या भैया को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा, नहीं देखा। सुनिए भैया, हमारे सूर्या को कहीं देखा क्या? नहीं देखा बेटी। कहाँ चला गया होगा? भैया भैया, सूर्या भैया को देखा है? अरे जाओ यहाँ से, मैंने नहीं देखा। गाँव में कितनी गर्मी बढ़ गई है ना, पंखा भी नहीं है। काशीनाथ, हमारे सूर्या को कहीं देखा था क्या? हमने कहीं नहीं देखा भाई जी। बाद हमें ऐसा मौका मिला है, इसका जरूर फायदा उठाना होगा हमें। वो सूर्या तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, तो ये सही मौका है सरपंच को बदनाम करने का। तभी लोग पलट कर देखेंगे और फिर कुछ ही दिनों में उस सरपंच की गद्दी मेरी होगी। माला की शादी के झगड़े में सरपंच के घर के सामने सूर्या को धमकी दी, इसलिए गाँव वाले सोचेंगे कि हमने सूर्या के साथ गलत काम किया। कौन है वो? कौन है? उसे चप्पल से मारूंगा। जो ऐसी सब बातें करेगा उसे फांसी पे लटका दूंगा या फिर उसका गला काट दूंगा। ये जा, टपका दो क्या? वो कहां गया है ये ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। हम पर किसी को शक ना आए इसके लिए कुछ करना होगा। अगले दो दिन सूर्या नजर ही नहीं आया तो उस सरपंच पर हम ही इल्जाम डाल देंगे। ठीक है, तू इस काम में लग जा। माँ, मेरा तो दिल घबराने लगा है, माला की जिंदगी का क्या होगा? खाना खा लो तुम। ये क्या, अब तक रो रही है? मैंने कहा था ना तुझसे, माना तूने? सूर्या मेरे बिना जी नहीं सकता, यही कहा था ना तूने? अब क्या हुआ? तू उसे पसंद है कहकर दूसरी लड़की को भगा कर ले गया वो? माँ, ऐसी बात मत करो, सूर्या ऐसा लड़का नहीं है। सूर्या मेरे अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकता। इन मर्दों पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मैं तेरी माँ हूँ, फिर भी तूने मेरी सारी बातों को अनसुना कर दिया। लोगों के सामने बदनामी के अलावा और कुछ हुआ? लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, तो समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं। कैसे लोगों से कहूं कि मेरा होने वाला दामाद किसी और को भगा के ले गया? तेरे बाप नहीं है फिर भी इज्जत की जिंदगी जी रहे थे, वो भी छीन ली तूने। इकलौती बेटी को संस्कार से पाला है, ऐसा गांव में जब लोग कहते थे तो बहुत खुशी होती थी। मेरा तो दिल भर आता था,
पर अब तो तूने सबके सामने इज्जत उतार दी मेरी। इकलौती बेटी की शादी भी ठीक से नहीं करवा पाई, ऐसी खरी खोटी सुना रहे हैं तो दिल में कितना दुख हो रहा है जानती है तू? इस दर्द को सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ। अगर ये सब ठीक करवाना है ना तो एरा सामी से तेरी शादी करवानी ही होगी, मना मत करना। माँ तुम भले ही कितना कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगी। सूर्या के वापस आने तक मैं ऐसे ही रहूंगी, पर उस एरा सामी से ही नहीं किसी से भी शादी नहीं करूंगी मैं। अगर माँ की कोई औकात ही नहीं है तो जीना बेकार है मेरा, जो करना है वो कर। तू ये करेगी तो मैं नहीं जी पाऊंगी। बाप तो वैसे भी चला गया, अब माँ भी चली जाएगी तभी तसल्ली मिलेगी तुझे। पूरा गांव छान मारा पर कहीं नहीं मिला वो। सुकून से शादी कर रहा था तो डांट दिया, और अब ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है तो आंसू बहा रही हो। तुम चुप करो ईश्वरी, वो बस दो दिन के लिए रूठेगा, उसका गुस्सा हम नहीं जानते क्या? वो एक बार हमें देखे बिना रह सकता है लेकिन माला को देखे बिना नहीं रह सकता। वो आएगा, उसके दोस्त भी उसको ढूंढ रहे हैं, तुम फिक्र मत करो। मेरी वजह से ही सब हुआ है, मैंने उसे डांटा तो वो खाना आधे में छोड़ कर उठ के चला गया। कितना भूखा होगा मेरा बेटा, उसके आते ही मैं खुद उसे भरपेट खाना खिलाऊंगी। पहले मैं तो बस उसे गुस्से में डांटती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करती। अगर वो कहेगा कि उसे माला चाहिए तो मैं मना करूंगी क्या? मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं यही तो चाहती हूँ मैं। पहले तुम रोना बंद करो, तुम्हारे डांटने से वो घर छोड़ देगा, ऐसे बेकार की बातें मत सोचो। कोई ना कोई वजह तो होगी, वो जब तक आकर खुद नहीं बताएगा हमें पता नहीं चलेगा। वो जहाँ कहीं भी हो जल्दी आए, भगवान से यही प्रार्थना है। ये लीजिए थोड़ी सी छाछ पी लीजिए। सुनिए जी, आप ऐसे खाना पीना छोड़ देंगे तो क्या वो मिल जाएगा? कुछ ना कुछ जरूर उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ होगा, इसलिए वो किसी को बिना बताए चला गया है, जल्दी ही मिल जाएगा वो। वही समझ में नहीं आ रहा, उसे तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, उसके मन से उसकी शादी करवा रहा हूँ। उसकी शादी के लिए मैंने प्यार से अंगूठी भी बनवाई है, हमेशा साहब साहब कहकर घर में घूमने वाला जब दिखाई न दे तो अजीब लगता है, खाने का मन नहीं कर रहा। जब आपका ये हाल है तो सोचिए उसके माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा, माला की क्या हालत हो रही होगी। कम से कम थोड़ी सी छाछ तो पी लीजिए। वो कहीं नहीं जाएगा, वो मुझसे मिले बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। वो आएगा, वो मेरी जितनी इज्जत करता है उससे कहीं ज्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके लिए भले ही कितने दिन हो मैं उसकी राह देखूंगा। सावन में आ जाना कृष्णा, आके राधा संग रस रचाना कृष्णा। फागुन में आ जाना कृष्णा, आके राधा संग रस रचाना कृष्णा। सावन में आ जाना कृष्णा। क्या हुआ, हो गई तसल्ली? छोड़ के चला गया ना? वो छोड़ कर जाएगा ये बात मुझे पहले से पता थी। ओ बहुत उछल रही थी ना, अब समझ में आया ना? अब तेरे साथ कौन रहेगा? असल में तू यहाँ पर क्यों आई है, काम करने आई है या मरे हुए पति का शोक मनाने आई है? मुंह बंद कर, तेरा गुस्सा अब यहाँ नहीं चलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो थैला उठाकर यहाँ से निकल। ए? अगर दोबारा ऐसी बात की तो मार डालूंगी। अरे चुप कर, बहुत देखे तेरे जैसे, अपने ये आंसू कहीं और बहाना, चल निकल। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना माला। ए, जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, समझ नहीं आता क्या? जाओ यहाँ से। Thank you.
चिरंजीवी की फिल्म है, देखने चले? बिल्कुल। ये मेरे फेवरेट हीरो हैं, इनकी फिल्में मैं बार बार देखता हूँ, चलो देखने चलते हैं। अब ये पहले फिल्म है जो हम साथ में देख रहे हैं, और हमारी तरह उनमें भी बहुत गुस्सा है। चारी कैसा है रे तू, खाना खाया क्या? नहीं खाया, लाओ तो मुझे, ये ले आराम से बैठ के खाना। भाभी कैसी है? चारी बचपन का दोस्त है मेरा, बहुत पढ़ा लिखा है, गांव का होशियार आदमी है, लेकिन राजनीति में धोखा खाया, तब से ऐसा हो गया। तू मेरी बनेगी ये इसने बहुत पहले ही बोल दिया था। अच्छा बता हम लोग कैसे दिख रहे हैं? तू खा ले, चलो चलते हैं। चारी, चारी। चारी मुझे माफ करना, सूर्य मुझे मिल नहीं रहा है इस दुख में, तुम मुझे याद ही नहीं आए चारी। घर जाकर सोचा मैंने सूर्य के बारे में, तुम कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे ना, ये मुझे समझ में आया। सूर्य कहीं दिखा क्या, कहाँ है? चारी सरपंच को मार दिया, ऐसा सपना आया मुझे, छोड़ मुझे, अरे छोड़ जाने दे मुझे, सरपंच को देखना है मुझे, हाथ छोड़ना मेरा। सरपंच के घर क्या है? हाँ बोलो। मजदूरी करके जीने वाली लड़की, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू नाम लेकर बुला रही है? सूर्या कहाँ गया हमें कैसे पता? ए मुंह बंद कर, बंद कर। तुम्हारी कहानी सुनने के लिए मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, ये मक्का काटने वाला हाथ है, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, इस माला को तुम नहीं जानते। सूर्या कहाँ है ये तुम जानते हो? सूर्या जिस रात गायब हुआ था उस रात तुम्हारे घर आया था, ये मुझे चारी ने बताया। सूर्या के साथ तुम लोगों ने ही कुछ किया होगा, बताओ मुझे वरना मैं काट डालूंगी। किसी पागल की बात सुनकर जो मुंह में आया बक रही हो, सूर्या से तुम जितना प्यार करती हो उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं करता हूँ। बचपन से वो मेरे पास पला बढ़ा है, भले ही वो मेरा खून नहीं है लेकिन उससे बढ़कर है मेरे लिए, और ऐसे में हमने सूर्या के साथ कुछ किया ये बोल रही हो? भले ही तुम कितना भी कह लो मैं नहीं मानूंगी, चारी झूठ नहीं बोलेगा। चारी ने उस रात सूर्य को आते हुए देखा था, तुम लोग झूठ बोल रहे हो ये मैं जानती हूँ। कितनी बार बोलूं कि हमें पता नहीं है, देवता जैसे भैया पर इल्जाम लगा रही है। जाकर तेरे मामा पटेल से पूछ कि सूर्य कहाँ पर है, वहाँ जाने की बजाय यहाँ कर चिल्ला रही है तू। ये बताओगे या नहीं बताओगे? नहीं बताओगे तो एक को भी नहीं छोड़ूंगी, समझे? तुम्हें मारने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी, और सुनो एक एक को काट कर जमीन में गाड़ दूंगी मैं। क्यों, प्यार से बात कर रहा हूँ तो ज्यादा जबान चल रही है,
तुम्हें लगता है मैं औरत के हाथों मरने वालों में से हूँ? दोबारा तूने अगर बोला कि मैंने सूर्या के साथ ऐसा कुछ किया है तो तू लड़की है, मैं ये भूल जाऊंगा, काट के रख दूंगा तुझे। हे, इसे धक्का मार के निकालो यहाँ से। हे, निकल निकल यहाँ से। समझता है खुद को? हाँ, वरना ठीक नहीं होगा। तेरी तो हाथ उठाती है, निकल। छोड़ो मुझे, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। छोड़ो इसे। मैं सूर्य के बिना नहीं जी सकती। मेरा सूर्य कहाँ है? उसने ऐसी गलती की, मुझे क्यों सजा दे रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए हनुमत राव, छोड़ूंगी नहीं मैं। अगर मेरा सूर्य नहीं मिला तो तेरी मौत तेरे हाथों से होगी। ये माला अगर बगावत पर उतर आई तो इसका अंजाम क्या होगा तुझे मैं दिखाऊंगी। चलो, बहुत बोल रही है, चल। माला के बारे में लोग क्या कहते हैं? जी सरपंच जी, देखते हैं। क्यों चंदन भाई, इधर कैसे आना हुआ? सूर्या नहीं मिल रहा है, माला के पूछने पे आपने इसको पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। हम गरीब लोग हैं इसलिए कुछ नहीं कर सकते, यही सोच रहे हो ना आप? आप हमारे खिलाफ जाकर सरपंच कैसे बनते हैं देखते हम लोग। सुनो भाई लोग, गुस्सा मत करो, आप लोगों के समर्थन से ही मैं सरपंच बना हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा लेकिन धोखा नहीं करूंगा। सूर्या के साथ मैंने कुछ गलत किया है ये सोचकर माला मुझ पर हमला करने जा रही थी, उस गुस्से में मैंने माला को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। मेरे कारण सूर्या को अगर कुछ हो गया है तो मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाऊंगा और जो सजा दोगे मान लूंगा। वो तो आने वाला समय ही बताएगा। चलो, चलो चलो चलो। सूर्या के बारे में पता नहीं चला तो तुम्हें देख लेंगे हम लोग। सूर्या का कुछ कह दिया ये कह के हनुमंत राव से, माला ने झगड़ा किया ना इसलिए उन्होंने उसे पुलिस स्टेशन भिजवा दिया है। इसीलिए जैसा तुमने कहा था ना, हनुमंत राव के पास अपने लोगों को भिजवा दिया है, उन सब ने हनुमंत राव के पास जाकर उसको झाड़ दिया। फिर उसने मजबूरी में कहा कि अगर उसने कोई गलती की है तो गांव वाले उसे सजा दे सकते हैं और वो तैयार है। शाबाश, मैंने जो गलती की है वो सरपंच हनुमंत राव पर डालकर हमें लोगों का भरोसा जीतना होगा। अब हनुमंत के दिन भर गए, सरपंच की कुर्सी पर वो बस इस बार ही आखिरी बार बैठा है। आने वाले इलेक्शन में मैं ही सरपंच बनूंगा और तुम बनोगे मेरे उप सरपंच। मेरा हाथ तुम्हारे सर पर हमेशा रहेगा। उसने तुम्हारी और माला की शादी रुकवा दी, मैं माला को मनाकर तेरी शादी करवाऊंगा। तू मुझ पर भरोसा कर और हनुमंत राव को चुपचाप कुचलने की तैयारियों में लग जा। मेरा लक्ष्य है उसे सरपंच के पद से हटाना और खुद उस गद्दी पर बैठना। माला, सूर्या। चलो चलते हैं। कहाँ गए थे तुम? मैंने तुम्हारी बहुत राह देखी, तुम नहीं मिले तो माँ ने जिद पकड़ ली कि मैं एरा सामी से शादी कर लूं। सारे लोग जो उनके मन में आता है वो बकते हैं कि तुम मुझे धोखा देकर दूसरी लड़की के साथ भाग गए, और ऐसे में मुझे कितना दुख हुआ पता है? लोगों की बातें सुनकर मुझे मरने का मन हुआ। तुम एक कदम भी मुझसे दूर जाते हो तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। दोबारा फिर ऐसा मत करना, मुझसे वादा करो। अरे पागल माला, जीऊंगा या मरूंगा बस तेरे साथ ही। मेरी माँ की बात ना मेरे दिल पे लग गई थी इसलिए मैं कुछ दिन के लिए दूर चला गया था, लेकिन हर पल बस तेरी याद आ रही थी मुझे। तुझे पुलिस थाने में रखा ये पता चलती मैं आ गया, अब से तेरे साथ ही रहूंगा, भले कोई कुछ भी बोले, जन्म जन्म तक तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा मैं। दोबारा मुझे छोड़कर गए तो तुम्हें मारूंगी। अरे मेरी जान। ए माला, माला, आओ बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत, चलो चलते हैं। देखो माला, तुमने उस सूर्या पर भरोसा किया और वो तुम्हें धोखा देकर न जाने कहां चला गया। उस हनुमंत राव पर भरोसा किया, क्या मिला? उसने लाकर तुम्हें लॉकअप में बिठा दिया। हमारी बात सुने बिना उस सरपंच के सामने हमारा अपमान करने के बाद भी ये एरा स्वामी
तुमसे प्यार करता है, इसलिए जिद करके मुझे यहाँ लेकर आया तुम्हें छुड़ाने के लिए। अब तो कम से कम अपना दिमाग लगा लो और एरा स्वामी की बात मान लो। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं आप? नींद नहीं आ रही है। माला ने जो बातें की वो सुनकर मेरे दिल में आग सी लगी है। मेरे ऊपर उसने हंसिया उठा लिया था, उसने कहा मुझे काट डालेगी, फिर भी फिक्र नहीं हुई। पर उसने कहा मैंने सूर्या के साथ कुछ गलत किया। ये सुनकर ऐसा लगा मेरी जान चली गई। मैं अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। मेरे जैसे इंसान को उसने राक्षस बना दिया, इसीलिए मैंने उसे बाहर करवाया। हाँ, पर माला के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं है। मैं आखिर सूर्या का अहित क्यों चाहूंगा? जब से सूर्या लापता हुआ है तब से मेरी क्या हालत हुई है ये तुम जानती हो। मैंने गलत किया है ऐसा कहकर वो पटेल लोगों को भड़का रहा है, तो उनके मन में जो आ रहा है बोल रहे हैं। अगले 10 दिनों में सरपंच का इलेक्शन है। सूर्या के बिना नॉमिनेशन करने का भी मेरा मन नहीं कर रहा। सूर्या जहाँ भी होगा आपका भला ही चाह रहा होगा। माला की बातों का बुरा कैसे मान सकते हैं आप? वो सूर्या से प्यार करती है और वो उसे नहीं मिल रहा, इसलिए गुस्से में कह दिया और बेवजह आपने उसे जेल में भिजवा दिया है। ये बात अगर सूर्या को पता चली तो उसे बहुत दुख होगा। वो भले ही हमारे पास नहीं है पर हमारे दिल में तो है। आप बिल्कुल दुखी हुए बिना नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए। पद्मा, सारे अपशगुन सामने आ रहे हैं। मेरा दिल मान नहीं रहा कि इस बार मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं। ये आप क्या कह रहे हैं? गांव का भला सोचने वाला और कौन है? आपको खड़ा होना ही होगा। बहू, क्या लेकर आए हो, दिखाओ। दिखाओ ना, दिखाओ। जाओ, मुझे नहीं चाहिए। कितना अच्छा है। ये तुम्हारे लिए, ये है राजा, ये है रानी। इनके शादी हो जाने के बाद ये राजा रानी को तांगे पे पूरा गांव घुमा रहा है। मैं भी ना किसी दिन हमारी शादी जब हो जाएगी तो इस राजा की तरह तांगे पर तुमको घुमाऊंगा। जब जब मैं याद आऊंगा तब मुझे इस राजा में देख लेना और इसे गुम कर दिया ना तो समझो तुमने मुझे छोड़ दिया। नहीं घुमाऊंगी, बिल्कुल नहीं घुमाऊंगी। ये लो, नींबू पानी पी लो। नहीं चाहिए। इस तरह से भूखी रहोगी तो मर जाओगी। मरती हूँ तो मरने दो, सूर्या के बिना मुझे नहीं जीना है। सूर्या के जो बहुत करीबी थे उस सरपंच को भी उसकी कोई चिंता नहीं है। वो कहाँ है किसी को नहीं पता, कब आएगा ये भी नहीं पता। और ऐसे में तुम बिना कुछ खाए और कितने दिन रहोगी? चेहरा उतर गया है, आंखें गड्ढे में चली गई हैं, रो रो कर लगता है मर जाओगी तुम। अगर ऐसे ही रहोगी तो उस सरपंच ने आज तुम्हें जेल में भेजा है, कल तुम्हें बर्बाद कर देगा। मेरी बात मानो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एरासामी कोई कदम नहीं उठाएगा, वो इंतजार करेगा। तुम भले ही मना करो पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम जिसे चाहती हो उसकी बजाय जो तुम्हें चाहता है उसके साथ रहोगी तो जिंदगी अच्छी रहेगी। अपनी माँ की बात मान लो बेटी, जरा सोचो और मना मत करो। अब से तुम्हारी जिंदगी में रोना है ही नहीं। एरासामी से कहकर शादी की तैयारियाँ करवाते हैं बेटी। मुझे नहीं करना, नहीं करना। उसका नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना। उसका नाम सुनकर लगता है जैसे खून खौल रहा हो। तुम्हारी बात सुनकर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी कभी। सूर्या के लिए जो मेरा प्यार है, उसके मरने तक, उसकी चिता जलने तक, उसे आखिरी बार जब तक देख न लूं तब तक मेरी आंखें उसकी राह देखती रहेंगी। जिसने मुझे अपना दिल दिया उसके लिए किसी की बात माने बिना, किसी पर भरोसा किए बिना रहना, मुझे इतना प्यार है। वो आएगा, वो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, पर वो तुम्हारी तरह अपनी जुबान से नहीं मुकरेगा। मेरे सामने आकर उसका नाम मत लो। जाओ। देखो बेटी,
छी, क्या मुसीबत है, जाके कहीं मर जा। सुनिए, ये लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। भैया, आपको कुछ बात करनी थी। हाँ, करनी थी। गांव में लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने सूर्या के साथ कुछ गलत किया। जानबूझकर मैंने माला को थाने में बिठा दिया। ऐसा लोगों को बात करने का मौका मिला है। वजह है, सूर्या लापता है। हमारी गलती नहीं है, इसके बावजूद कोई भरोसा नहीं कर रहा। इसका फायदा उठाकर वो एरासामी और पटेल लोगों में बदलाव लेकर आए हैं। कुछ दिनों में ही इतना कुछ कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चुनाव में मेरा जीतना बहुत मुश्किल है। उस पटेल और एरासामी के बोलने की वजह से आप हार जाएंगे क्या? हमारे खिलाफ बोलने वाले उनके ही लोग हैं। उनके अलावा हमारे खिलाफ हमारे लोग नहीं जाने वाले। ऐसी बातें सोचना बंद कीजिए और नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए। भैया, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता आप मत कीजिए। सूर्या को पता चलेगा आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो वो जरूर आएगा। तब एक भी इंसान आवाज नहीं उठाएगा। आप हिम्मत मत हारिए। आप कमजोर पड़ेंगे तो उस पटेल को मौका मिल जाएगा। तुम लोग जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी के हालात में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ये फैसला लिया। कैसा फैसला? नारायण, इस बार सरपंच का नॉमिनेशन तुम्हारे नाम से डलवाने की सोच रहा हूँ। भैया, आप ऐसा मत कहिए। मैं अंगूठा छाप हूँ, मुझे सरपंच नहीं बनना है। आपके होते हुए दूसरा कोई सरपंच बने ये मैं सोच भी नहीं सकता, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए भैया, आप ही नॉमिनेशन भरेंगे और आप ही जीतेंगे। इस गांव के सरपंच हमेशा आप ही रहेंगे भैया। हाँ जेठ जी, इन्हें आप जो बोलेंगे उसे करने के अलावा इन लोगों को कैसे रास्ते पर लाना है इन्हें बिल्कुल नहीं आता। मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। मेरे फैसले में कोई बदलाव नहीं आएगा। नॉमिनेशन तुम्हें ही भरना होगा। आप एक बार और सोच लीजिए भैया। अगर आप नहीं बनना चाहते तो भाभी को खड़ा कर दीजिए। घर बार देखने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मुझे राजनीति नहीं करनी है। मुझे इस कीचड़ में मत उतारो। भाई, मेरी बात मत टालो। मैंने जो सोचा वो सही है, मेरे विश्वास को मत तोड़ो। आपकी मर्जी भैया। आज तक आप जो भी कहते आए हैं मैं वही करता हूँ। मैं आपके फैसले के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता। अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। पहले नॉमिनेशन भर दो। लोगों को रास्ते पर कैसे लाना है मैं बताऊंगा। सरपंच के तौर पर भाई का नाम डाल दिया है। भाई को जिताना अहम है। प्रचार शुरू करते हैं, चलो। नारायण भैया, नारायण भैया, नारायण भैया, नारायण भैया, नारायण भैया। सुनिए, भाई को सरपंच के लिए खड़ा किया है, अपना वोट इसी को दीजिएगा। वोट वोट कुछ नहीं मिलेगा। माला को थाने में बिठाकर यहाँ वोट मांगने आए हो, शर्म नहीं आती? हम वोट नहीं देंगे, जाओ। चलो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो गए वोट मांगने के लिए। चलो चलो। माला की माँ, यहाँ क्यों आए हो? नारायण सरपंच के लिए खड़ा हुआ है, अपना वोट इसे दीजिएगा। जाओ यहाँ से। हमारी जिंदगी से खेलकर हमसे ही भीख मांगने आए हो क्या? हमारी ही दी हुई भीख पर जीते हो तुम लोग। ए, सूर्य कहाँ है बता? सूर्य कहाँ है बता मुझे? चलो अंदर, चलो। छोड़, लोगों के मुंह नहीं लगना। चलो अंदर। वो नारायण कच्चा खिलाड़ी निकला। उस बच्चे को जीतने के लिए मेरी उम्र जितना अनुभव लेना पड़ेगा। वो एक प्यादा है, अंगूठा छाप है, पूरा गांव जानता है। सुना है प्रचार के समय माला ने कुमकुम की थाली फेंक कर मारी। बीच बाजार में इज्जत उछाल दी उसकी। फिर भी पीछे रहकर सब कुछ चलाने वाला सरपंच ही है। अब जनता उसके खिलाफ चली गई तो वो कभी जीत नहीं पाएगा। उसका हारना तय है और मेरा जीतना पक्का। फिर हम फुर्सत से सर पर गमछा बांधकर बैठ सकते हैं। चल नॉमिनेशन का फॉर्म भरते हैं, चल। सुनो, मुझे माफ करना। लोगों में मेरे लिए नफरत देखकर तुम्हें पहली बार बिना बताए सरपंच के इलेक्शन में अपने भाई के नाम से नॉमिनेशन करवाया है। प्रचार में लोग हमारी मदद करेंगे ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपनी नफरत दिखाई है।
अगर हमने जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाया तो धर्मपुरी के इतिहास में पहली बार हमारे परिवार को हार का सामना करना पड़ेगा और ये बहुत अपमानजनक है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे परिवार का इतिहास डूब जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए लोगों के दिलों में जो नफरत है पहले उसे मिटाना होगा। तुम लोग मिलकर मेरे भाई को जिताओ। सब लोग होशियार रहना। उस पटेल को लगना चाहिए कि हमारा सामना करना बहुत मुश्किल है। उसके लोगों को रास्ते से हटा देना। जो करना पड़े करना। ठीक है साहब, हम सब अपने वर्ग के लोगों से बात करके उन लोगों को अपनी तरफ लाएंगे। आपने ये जिम्मेदारी हम पर सौंपी, हमें बहुत खुशी हुई साहब। पटेल के जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नारायण भैया की जीत पक्की होगी साहब। पक्की होगी, पक्की होगी, पक्की होगी, पक्की होगी, पक्की होगी। हाँ जी, ठीक है। साहब, 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 मैं कुछ नहीं जानता साहब। जब आप शहर से लौट रहे थे तो शिव मंत्री के पास प्लानिंग करके आपको मारना चाह रहे थे साहब। माँ जी, क्या हुआ सूर्या? कल सुबह तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, साहब जी की याद आ गई तो एक बार मिलने के लिए आ गया। मैं भी जाकर उन्हीं की राह देख रही हूँ। वो अब तक शहर से नहीं आए हैं। अब तक नहीं आए क्या? अगर मैं साथ जाता तो उन्हें शाम तक लेके आ जाता। जब तक साहब नहीं आते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यही रहकर उनसे मिल के जाऊँगा। सब क्या है सूर्या, एक मिनट भी नहीं रह सकता है ये उन्हें देखे बिना। आप इतने समय तक जिस चीज की राह देख रहे थे ना, वो समय आ ही गया। अगले 10 मिनट में सरपंच मर गया है यह खबर आग की तरह फैल जाएगी। इस बार वो बचेगा नहीं। शिवजी के मंदिर के पास सरपंच की मौत लिखी हुई है। यहाँ से लेकर जंगल तक मेरे आदमी फैले हुए हैं ताकि वो बच ना पाए। उसका मरना तय है, अब वो बचेगा नहीं।
नारायण ने सरपंच के पद के लिए शहर से आने वाले रास्ते में आपको मारने के लिए कहा था, ये बात सूर्या ने सुन ली थी। और भैया को मारकर सरपंच मैं बनूंगा, भैया को मरना होगा, मार डालो। ए, सूर्या ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। अगर उसने भैया को बता दिया तो हमारा खेल खत्म। पहले उसको खत्म करो। इसलिए आपको बचाने आए हुए सूर्या को मार दिया साहब। आपने जब नारायण राव को इलेक्शन में खड़ा किया तब जो अपमान हुआ वो सह नहीं पाया साहब। आज प्रचार में जो हमारा अपमान हुआ है उसे देखकर लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, ये मैं समझ चुका हूँ। अगर हमने कोई फैसला नहीं लिया तो सरपंच बनने का जो सपना है वो मिट्टी में मिल जाएगा। अभी के अभी कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों में बदलाव आ जाए। हमसे जो नफरत है उसे मिटाना होगा। मिटाना होगा मतलब? कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों को हमसे सहानुभूति हो जाए। मतलब क्या करना होगा? अब तक जो सोचा था तब तो हो नहीं पाया, पर अभी उसे अंजाम देने का समय आ गया है। अगर जेठ जी मर गए तो सभी गांव वालों की सहानुभूति हमें मिल जाएगी, और जो विपक्ष में खड़ा है उसके प्रति लोगों में नफरत होगी। हमारे पास समय नहीं है, लोगों को हमारी तरफ लाना होगा। इससे अच्छा दूसरा रास्ता नहीं है। अगर अभी हमने उन्हें मार दिया तो इसका इल्जाम पटेल और एरासामी पर जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बार हमारा निशाना चूक जाए ये हो ही नहीं सकता। एक तरफ मेरे भैया की मौत और दूसरी तरफ मेरी जीत को देखकर माला पूरी तरह से पागल हो जाएगी। दूसरी बार आपको मारने की सुपारी दी उसने।
सूर्या को जब आंगन में गाड़ रहे थे तब मालकिन ने देख लिया था साहब। मैंने तुम पर जो भरोसा रखा था तुमने मिट्टी में मिला दिया। अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिलाती हो, लेकिन अच्छा सबक सिखाया तुमने। बोलो क्यों छिपाया तुमने? सूर्या जबरदस्ती बगावत करने के लिए कह रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। भाभी ये बात भैया को मत बताना, आपको ही हमें बचाना होगा भाभी, ऐसा कहकर वो मेरे पैरों में गिर गया। ये सब झूठ है, ये सरपंच के पद के लिए नारायण और कुमारी की साजिश है। नारायण घर आया क्या? नहीं आया। बार सरपंच तुम ही बनोगे नारायण। आपके आगे कोई नहीं टिक सकता। अरे नहीं नहीं, आपके साथ भगवान है, आपकी जीत पक्की है। भैया आ रहे हैं, मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगा, आप लोग जाइए। ए, तूने गौरी से मिलकर सुपारी दी, ये सारी कहानी मुझे पता है। सूर्या को मार दिया, अब मुझे मारना चाहता है तू? भैया उस गौरी की बात पर विश्वास मत कीजिए, एक नंबर का धोखेबाज है वो, बहुत झूठा है, पैसों के लिए कुछ भी बोल सकता है। भैया मैं तो सूर्या को छोटे भाई की तरह मानता था, मैं भला उसको क्यों मारूंगा? भैया सूर्या को क्यों मारूंगा और आपको फिर क्यों मारना चाहूंगा? आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों राम लक्ष्मण जैसे भाइयों के बीच में कोई दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये उस पटेल और एरा स्वामी की ही चाल होगी, वो माला से प्यार करता था ना, उसी ने सूर्या को मारा होगा। भैया चुप कर, कुछ भी बोल मैं नहीं मानूंगा। सूर्या ने दिल से हम पर भरोसा किया, हमारे पास आज तक बिना गलती किए काम करता रहा। खुद को सरपंच बनाने के लिए तूने एक बेगुनाह इंसान की जान ले ली। तू इंसान कहलाने लायक भी है? अगर तूने एक बार भी मुझसे ये बात बोली होती कि तुझे इस गांव का सरपंच बनना है तो मैं तुझे बनवा देता। पद के लिए सूर्या की जान ले ली। सूर्या की जान लाकर वापस दे, वापस दे। भैया भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कभी भी पद का लालच नहीं रहा भैया, हर काम मैं आपके लिए करूँगा सोचता था, लेकिन ये इस कुमारी ने सब कुछ किया है, इसी ने मुझे बहकाया है सरपंच के पद के लिए, इसी ने मुझे लालच दिखाया। भैया कुछ दिनों में सरपंच के लिए इलेक्शन होने वाला है, अगर उसमें आपने अपने भाई से ज्यादा नाम कमा लिया तो आगे चलकर आपके पास सरपंच बनने का मौका होगा। सरपंच? भैया के जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बड़े घर में शादी की लेकिन आदमी छोटा निकला, इसीलिए तुम्हारे भैया हमेशा तुम्हें छोटे मोटे काम देते हैं। उस सूर्या का नाम गांव में बहुत अच्छा है, किसी दिन वो सूर्या ही गांव का सरपंच बन जाएगा, तब अक्कल आएगी तुम्हें। अभी अपनी आंखें खोलोगे तभी ये सब होने से रोक पाओगे, जरा सोचो इस बारे में।
ऐसा कह कह कर इसने मेरे अंदर लालच भर दिया, मुझे सपने दिखाए, मुझसे गलती हो गई। जिंदगी में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इस कुमारी की बात सुनकर सूर्या को मैंने मार दिया और आखिर में आपको मारने की बात भी मैं सोच रहा था। मैं हैवान हूँ, मुझे माफ कर दीजिए भैया। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे मत फंसाओ। जितना नाटक किया बस हो गया। अभी इसी पल अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को टुकड़ों टुकड़ों में काट सकता हूँ, पर तेरी मौत ऐसी नहीं होगी। पूरे गांव को बताऊंगा कि सूर्या को मारने वाला मेरा भाई है। तुझे और कुमारी को बाजार में ले जाकर तुम्हारी जिंदगी में कुत्तों से बदतर कर दूंगा। लोगों के सामने फांसी पर चढ़ा दूंगा। चल भैया, ऐसी बात मत कीजिए भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ भैया। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दया करके मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ तुम्हें, बोलो ना बोलो। सब रो क्यों रहे हो, क्या हुआ बोलो, क्या हुआ मुझे बताओ ना, कम से कम दो तो बता दे, बता ना क्या हुआ, बता सूर्य कहाँ है, बताओ सूर्य कहाँ है, दो तो बता क्या हुआ सूर्य को, सूर्य कहाँ है, बता मुझे सूर्य। मर गया माला। क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है तू, पागल हो गए क्या, क्या बोल रहा है? वो सरपंच का भाई नारायण ने उसे मार डाला माला। जन्मों जन्मों तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा मां। मुझे माफ करना। आपने कोई गलती नहीं की है साहब, इसलिए भगवान ने आपको मौत से बचा लिया साहब। नारायण जहां कहीं भी हो उसे पकड़ लो, उसे जीने का हक नहीं है, वो जहरीला सांप है। अगर हम उसे जिंदा छोड़ देंगे तो वो सबको डसेगा। अगर वो कहीं नजर आए तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। नारायण और उसकी बीवी का काम तमाम कर दिया है साहब। को मार दिया ये पता चलते ही मैं, माला और मेरे दोस्तों ने उन्हें खत्म कर दिया है साहब। हंसी से काट काट कर मार डाला साहब। धर्मापुरी के सरपंच हमेशा आप ही रहोगे साहब जी। आप सरपंच है ये देख के ऊपर से सूर्या बहुत खुश होगा साहब। हाँ साहब, आपको ही बनना होगा साहब। गांव में सरपंच पद के लिए जो हत्याएं हुई हैं उसे स्वीकारने के बाद लक्ष्मी राज पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और साथ ही उसका साथ देने वाले एरा सामी को 7 साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है। जीजा जीजा जीजा, किसको टपका दूं? मुझे टपका दे, मुझे टपका दे। तुम दोनों भाई ऐसे धार लगा लगा करके उसे पिघला दोगे। कभी उस हसीये से किसी मुर्गे को काटा है क्या? चल। ओ,
इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई, जबरदस्त आइडिया है, अभी जाकर मैं उसे काटता हूँ। पागल कहीं का, निकल। जीजा जीजा जी रुक जाइए, जीजा जी रुक जाइए, जीजा जी मैं अभी जाकर उसे काटता हूँ। जीजा जी रुक जाइए, रुक जाइए। हमारे धर्मापुरी गांव में दो इंसान प्यार करते थे, सूर्या और माला। शांति दे शांति दे शांति दे शांति दे शांति दे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। शांति दे शांति दे शांति दे शांति दे शांति दे। आत्मा को शांति दे 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 शांति दे। भगवान की आत्मा को शांति दे शांति दे शांति दे। माला जानती थी कि सूर्या कभी लौटेगा नहीं, इसलिए कुछ दिनों बाद उसने मौत को गले लगा लिया।